नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कार्रवाई सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से ही। तो सोना देख रहे हैं $1896 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं सिल्वर $23.6 पर। सोने में देख रहे हैं कि अब सुबह के मुकाबले शाम में थोड़ी और गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के कारण क्या क्या हैं और आगे सोने चांदी में कैसा कारोबार रह सकता है, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी अमित जी, सबसे पहले अगर सोने चांदी की बात की जाए तो सोने में हमने सुबह में $1890 के आसपास ट्रेड देखा था, अब देख रहे हैं कि 1895 तक कीमतें नीचे स्लिप हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में जो प्राइसेस हैं थोड़ा और गिरने वाले हैं? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि 1870 से $75 तक ये दाम खिसक सकते हैं, यानी 20 से 25 डॉलर की और गिरावट बाकी है। जहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स में करीबन 50,900 तक के लेवल हमें देखने मिल जाएंगे। जी ये से अमित जी, हमने WTI को कल को $100 के नीचे ट्रेड करते देखा था, आज देखने $100 के ऊपर निकल चुका है। ब्रेंट में भी हरे निशान पर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या क्रूड के फंडामेंटल्स अब पॉजिटिव वाले बन रहे हैं इसलिए तेजी आई है, या फिर यहां से क्रूड में अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है? जी देखिए, ये एक सेक्युलर थीम है या ट्रेंड है, वो क्रूड में अभी भी पॉजिटिव है। इंटरमीडिएटली हमें जो चाइना से लॉकडाउन की खबरें आ रही थी और डिमांड उस वजह से कम होगी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं पिछले दिनों में जो 10 से $11 की गिरावट आई थी उसमें डिस्काउंट हो गई है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि सेक्युलर थीम तेजी की है, यानी जो एक सप्लाई डेफिसिट है वो रहने वाला है इस साल में, इसके चलते बड़ी गिरावट पे हमें बाइंग एमर्ज होते हुए दिख रही है और मुझे लगता है कि यही ट्रेंड जारी रहेगा। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट्स में 7,600 से 7,700 के बीच प्राइस आएंगे तो वहां पर फिर बाइंग अट्रैक्ट होगी, और आने वाले एक हफ्ते की बात करें तो हमें दोबारा 8,200 तक के स्तर भी देखने मिलेंगे। तो मैं बाय ऑन डिप की रणनीति सजेस्ट करना प्रेफर करूंगा यहाँ। जी ये समय जी, जिस हिसाब से चाइना लॉकडाउन में है तो आपको क्या लगता है, क्या उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बेस मेटल्स के बाजार पर देखने को मिल रहा है? जी शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यस देखने मिला है, हमने कॉपर को 840 से लगातार फिसल कर 785 के प्रीवियस लो टेस्ट करते हुए दिखा है। सिमिलरली हमने एल्यूमिनियम और जिंक में भी काफी अच्छी गिरावट की है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी ये जो है करेक्शन की तरह लिया जा सकता है, क्योंकि सुना लेटर जो जो शंघाई में या बीजिंग में जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी और उसके बाद हमें देखिएगा कि चाइना फिर से रीस्टॉकिंग करता हुआ दिख सकता है, तो इसके चलते निचले स्तरों के आसपास हमें दोबारा तेजी दिखेगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पिक्चर है, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि जब तक 810 से 815 के नीचे कॉपर है तब तक प्रेशर में रहेगा और जो 21 स्तरों के आसपास दबाव बनता है वो बना रहेगा, या अपसाइड जो होगा वो लिमिटेड होगा जब तक चाइना की जो खबरें आ रही हैं शॉर्ट टर्म नेगेटिव मार्केट लिया जा सकता है। जी ये सब मुझे नेचुरल गैस में क्या लगता है, नेचुरल गैस में हमने $8 के ऊपर भी ट्रेड देखा है, ऑल टाइम हाई पर भी MCX पर प्राइसेस को जाते हुए देखा है, अब देख रहे हैं $6.9 पर ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो क्या अभी भी लगता है आपको कि नेचुरल गैस एक बार फिर से हाईस लगा दे, या फिर अब जो नेचुरल गैस में कारोबार है वो इसी दायरे में रहेगा? जी मैंने बताया कि क्रूड में एक सेक्युलर ट्रेंड बुलिश है, उसी तरह से सेक्युलर ट्रेंड यहाँ पर भी तेजी का है नेचुरल गैस में। हाँ ये जरूर है कि हर बड़ी रैली के बाद एक 80 से 100 रुपए की गिरावट आ जाती है, उसके बाद न्यू हाई हमें देखने मिलते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि हमने 615 से लगभग 485 तक का एक बड़ा फॉल देखा है, उसके बाद काफी शानदार एक शॉर्ट कवरिंग या तेजी हमें देखी है, उसके पीछे कारण ये भी है कि जो स्वीडन और पोलैंड में रूस ने ये बात कही कि जो क्योंकि रूबल में पे नहीं कर रहे हैं उस वजह से उनको सप्लाई कट किया जा सकता है, उसके चलते भी हमने देखा है कि इमीडिएट तौर पर बाइंग आई है। सेकेंडली क्योंकि एक सेक्युलर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट तैयार रहता है कि निचले स्तरों पर दोबारा बाइंग की जाए। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस 550 तक का तो एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है नेचुरल गैस में, बट अगर मैं मीडियम टर्म की बात करें आने वाले दो हफ्तों के लिए तो मुझे लगता है कि 590 किस तरह हमें दोबारा देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर भी तेजी के पूरे आसार बन रहे हैं। जी अमित जी, नॉन एग्री में आप टॉपिक्स किने देना चाहेंगे?
मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल फिलहाल बेस्ट टॉपिक है, 7,700 के करीब मिले तो बाइंग की जा सकती है, 7,500 के नीचे के स्टॉक से, और 8,050 का पहला टारगेट, 8,000 लगभग 250 के आसपास का दूसरा टारगेट लेके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अमित जी से कि अब कृषि फसल के बाजार में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम ग्वार से। अमित जी, सुबह के कारोबारी सत्र में तो हमने ग्वार की कीमतों में तेजी आते हुए देखी थी, अभी भी देख रहे हैं शाम में ग्वार में तेजी बनी हुई है, आपको क्या लगता है क्या अब यहाँ से ग्वार गम ग्वार सीड एक अच्छी रैली के लिए तैयार है, या फिर जो प्राइसेज है यहाँ से अभी भी ऊपरी स्तर पर सीमित दायरे में बंधे रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों ही ग्वारगम ग्वार सीड ओवरऑल एक ट्रेंड में है, हमें अच्छी खासी करेक्शन दिखी है पिछले दिनों में और वहां से दोबारा तेजी रिज्यूम हुई है, तो ऐसा लगता है कि वो तेजी जारी रहेगी। 6,550 का एक इमीडिएट लेवल का लक्ष्य लेकर चला सकता है, और ओवरऑल जो पिछले महीने हमने 6,700 के ऊपर के लेवल देखे थे वो दोबारा देखने मिलेंगे ग्वार सीड में, वही ग्वारगम में 13,400 के स्तर जो है दोबारा बाजार छू सकता है, तो आज की जो तेजी है ये टिकाऊ लग रही है मुझे, और दोनों में ही और गेंस होने की संभावना बनेगी। जी, इसी के साथ अमित जी, M6 कॉटन में क्या लगता है आपको, देख रहे हैं 44,000 के ऊपर फिर से देखने को मिल रही है M6 कॉटन, क्या यहाँ से अभी कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो अभी और आगे बढ़ेंगे या फिर यहाँ से अभी करेक्शन आनी बाकी है? देखिए, मुझे लगता है करेक्शन आ रही है, इंटरमीडिएट करेक्शन जैसे हम कहते हैं कि बीच बीच में 600 से 800 रुपए की करेक्शन आ जाती है और उसके बाद न्यू हाइज बन जाते हैं, तो इसी प्रकार ये जो ट्रेंड है ये बरकरार रहेगा, और ऐसा लगता है कि दोबारा ट्रेंड रिज्यूम हुआ है, और इस बार इमीडिएट तौर पर 45,400 का लक्ष्य होगा ही, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है 46,200 तक का लक्ष्य देखने मिलेगा, तो मैं ओवरऑल अब भी तेजी ही प्रेफर करूंगा और इमीडिएट मार्केट प्राइस पे भी बाइंग की जा सकती है। जी, इसी के साथ अमित जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने 3,000 के नीचे प्राइसेस को जाते हुए देख लिया है और 2,800 पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल अभी भी फिर से 3,400 वाले लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है, या फिर बिनौला खल में अब यहाँ से तेजी नहीं आएगी और गिरावट ही बनेगी? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि लगभग 4 महीने हो गए थे और मैं काफी टाइम से 3,350 के एक लेवल की बात कर रहा था, हालांकि उसका जो बेस था वो 2,900 का ही था, जैसे हमने काफी बार डिस्कस किया है, क्योंकि वो बेस निकल गया है तो कुछ दिनों तक हम एक साइडवेज का कारोबार देख सकते हैं जहाँ पर अपसाइड जो होगा वो 2,950 से 3,000 के आसपास सीमित होगा और डाउनसाइड जो होगा वो 2,700 के आसपास ही रहेगा, उसके ज्यादा नीचे किसी को नहीं देखता, तो मुझे लगता है एक सीमित दायरे में कारोबार होगा, हालांकि बहुत ही छोटी अवधि की बात करें एक या दो सेशन की, तो मुझे लगता है पहले करीबन 2,950 से 2,980 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे, यानी मेरे ख्याल से यहाँ से तेजी की संभावना है। जी अमित जी, कैसे सीड में क्या लगता है आपको, हम देख रहे हैं कैसे सीड भी सीमित दायरे में ही है, कैसे सीड में भी कोई ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है? और कैसे सीड मुझे लगता है कि छोटी अवधि या शॉर्ट टर्म की बात करूं तो थोड़ा सा नीचे प्राइसेस मिल सकती है, इसका मतलब है लगभग 7,050 से 7,000 के बीच, यानी 2 से 3 फीसदी, हालांकि पोजिशनली मुझे काफी तेजी बिजली इसमें दिखाई दे रही है, मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे जब ये 7,000 के करीब मिलता है तो बैंक की जा सकती है करीबन 6,600 के साथ, और अपसाइड में जो टारगेट होंगे वे करीबन 8,100 और 8,300 के होंगे, तो अब भी काफी लंबी तेजी में देख सकती है, हालांकि वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस, यानी एक हफ्ते की बात करें तो लगभग 2,500 से 3,000 की पहले गिरावट देखने मिलेगी। जी, यही सब जी बात की जाए अगर सोयाबीन की, तो US सोयाबीन देख रहे हैं कि अभी भी सपोर्ट लेवल्स पर ही है, बीच में नीचे जाती हुई नजर आई थी लेकिन फिर से सपोर्ट पकड़ा है, और उधर से देख रहे हैं कि जो एनिमल फीड है उसकी कीमतें भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर से भी जो अनाज है वो महंगा हुआ है, तो ऐसे में अब सोयाबीन का कुल मिलाकर बाजार कैसा रह सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में सोयाबीन का जो सोइंग है वो भी चालू होने वाली है। जी बिल्कुल, तो इस बार क्या सोइंग में किस प्रकार के आंकड़े आते हैं वो देखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन ओवरऑल जो उनका सिनेरियो जो उधर के आ रहा है वो अभी जैसे आपने भी बताया कि तेजी का है, इसका ये मैं कुल मिला के एक समीशन कर सकता हूँ, समरी कर सकता हूँ कि नीचे के लेवल्स पे बाइंग रिकॉर्ड रहेगी, यानी
डाउनसाइड जो होगा वो लिमिटेड होगा, मुझे नहीं लगता कि 7600 से ज्यादा नीचे दाम जा पाएंगे, और अपसाइड में ऐसा लग रहा है कि 8400 से 8500 तक के लेवल भी हमने मीडियम टर्म बेसिस यानी 2 से 3 हफ्ते हमने देखने मिलेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेजी है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ओवरऑल चाहे वो वेरी शॉर्ट टर्म हो, छोटी अवधि हो या फिर मीडियम टर्म भी हो, दोनों में ही फिलहाल मुझे लगता है सोयाबीन में तेजी बरकरार रहेगी। जी ये समी जी, हमने इंडोनेशिया से फैसला आते हुए देखा था कि 28 अप्रैल से इंडोनेशिया पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने वाला था, लेकिन अब इंडोनेशिया ने भी साफ कर दिया है कि वो सारे पाम ऑयल्स पर बैन नहीं लगाएगा, सिर्फ आरबीडी और जो थोक में बिकता है उस पर बैन लगाएगा, बाकी चालू रहेगा। सीपीओ और आरबीडी पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो चालू रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अब इसका असर सीपीओ की कीमतों पर और बाकी अदर एडिबल ऑयल पर कितना देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, जो फैसला आए थे शुक्रवार को उसको जल्दी ही रिवर्स कर लिया गया था, तो उसके बाद हमने मार्केट में कम से कम स्पॉट मार्केट में हलचल आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि जो है सीपीओ पर फिलहाल उनकी तरफ से एक चाप रह सकता है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभी भी तेजी का माहौल है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस भारतीय बाजारों में एक चाप रहेगा। ये एक दायरे का कारोबार हम 3 से 4 फीसदी में देख पाएंगे, लेकिन जो सेक्युलर ट्रेंड है अभी चाहे वो सोयाबीन हो या फिर रिफाइंड सोया या फिर सीपीओ हो, उसमें तेजी का बना हुआ है, लेकिन इमीडिएट तौर पर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक महीना करीबन दायरे का कारोबार होने के बाद दोबारा बाजार तेजी पकड़ सकता है। जी अमित जी, मेंथा की बात की जाए यहाँ से, तो मेंथा में भी हमने निचले स्तर पर कारोबार होते देखा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं मेंथा में कुछ खरीदारी भी लौटी है, आपको क्या लगता है, क्या मेंथा अब यहाँ से तेजी के लिए तैयार है या फिर जो प्राइसेस हैं वो अभी भी ऐसी वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करते रहेंगे? देखिए डेफिनेटली हमने आज के सेशन में काफी दिनों के बाद एक तेजी का रुख हासिल देखा, क्योंकि 1170 से लगभग लगातार प्राइसेज 1050 तक चल रही है। मुझे लगता है यहाँ से ये जो उछाल है ये कुछ समय और जारी रहेगा, जहाँ पर हमें 1100 से 1110 तक के लेवल भी देखने मिलेंगे, हालांकि उसके बाद दोबारा जो प्राइसेज है वो नीचे आ सकती है, तो एक सीमित दायरे में कारोबार होगा आने वाले कुछ समय के लिए। लेकिन इमीजिएट तौर पर अगर देखा जाए तो 1050 के नीचे अगर स्टॉप लॉस के काम किया जाए तो 1110 तक के लेवल हमें आने वाले कुछ सेशन में देखने मिलेंगे। जी अमित जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप एग्री कम्युनिटीज में? मेरे हिसाब से ग्वार कॉम्प्लेक्स में जो है टॉपिक दिया जा सकता है, ग्वार में बहुत सी और अगर मैं बाकी कमोडिटीज में बात करूँ तो मुझे लगता है M6 कॉटन जो है वहाँ पर तेजी रह सकती है, साथ ही दलिया में हमें तेजी के असर दिखाई दे सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 12600 से 12800 के रीजन में काफी सपोर्ट बन रहा है, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि 13100 से 13200 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे, तो मैं दलिया में भी 1000 रुपए की तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ, उसके चलते बैंक की सलाह देना चाहूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, आगे क्या प्राइसेस रह सकते हैं और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।